हर कोई जिला कांगड़ा का विकास चाहता है। धर्मशाला जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, वहीं कांगड़ा घाटी में साल भर पर्यटकों की आमद लगी रहती है, चाहे पर्यटक देशी हों या विदेशी। लेकिन कई पर्यटक सड़क मार्ग के बजाय हवाई सफर को तरजीह देते हैं। हालांकि वर्तमान में जिला कांगड़ा के एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इसके विस्तारीकरण उपरांत बड़े जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। बड़े जहाज आने से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, वहीं किराए में भी कटौती संभव है। ऐसे में बड़े जहाज आने से न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा, लेकिन विरोध के चलते इसके विस्तार में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि आम जनता हो या किसी भी पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता, हर कोई यही चाहता है कि हमारा विस्तारीकरण होना आवश्यक है। बाकी राजनीति करने के लिए किसी को भी मौका चाहिए। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने से हर किसी को इसका लाभ होगा। विस्तारीकरण के चलते यदि स्थानीय लोगों को शिफ्ट करना भी पड़ेगा तो उन लोगों को सरकार बढ़िया मुआवजा देकर ही उन लोगों की जमीन लेगी। उन्होंने साथ लगती जो भूमि है उसे ही विस्तारीकरण के लिए लिया जाएगा। इस भूमि पर जिन लोगों के घर या जमीन होगी उसे ही लिया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिला कांगड़ा और धर्मशाला के विकास में एयरपोर्ट विस्तारीकरण का एक अहम रोल रहेगा। कृषि कानून को लेकर सरवीण ने कहा कि किसानों के लिए मोदी सरकार इतना अच्छा कर रही है, इसके बावजूद इस मामले में विरोध किया जा रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट कोई नहीं बताता, बस विरोध करना है। देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, स्थानीय लोग हो, वो चाहते हैं कि हमारा कांगड़ा जिला डेवलप हो, बड़ा जहाज उतरेगा, बड़ी गतिविधियां होंगी, स्मार्ट सिटी बन रही है साथ में, और हमारे यहाँ पर शाहपुर जो है नगर पंचायत जिस तरह से बन गई है, इस तरह से धीरे धीरे करके हमारी समझ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। 54 ULBs हैं इस हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से 64-67 हमारे विधानसभा क्षेत्र में से कुछ एक बची हैं। मुझे लगता है ज़रूरी है एयरपोर्ट का बनना, बाकी तो राजनीति करने के लिए तो मौका चाहिए किसी को भी। किसानों के लिए इतना अच्छा कुछ हो रहा है तब भी वो किसानों को लेके एजिटेशन हो रहे हैं, और प्लस पॉइंट कोई नहीं बताता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर एयरपोर्ट होगा तो पत्रकार बंधु भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आम जनता सब लोग जो हैं उसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। निश्चित रूप से जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा, अगर स्थानीय लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा तो निश्चित जो मुआवजा बढ़िया अच्छा होगा वो सरकार उसको देके तभी लोगों को जो है उनकी ज़मीन लेगी, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो साथ लगते एरिया की होगी, इसलिए साथ लगते एरिया जो है उसमें जिन जिन लोगों के घर होंगे या ज़मीन होगी उनको मुआवजा दिया जाएगा, तभी ये होगा। और मुझे लगता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और हम इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, धर्मशाला के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा।